लोगों ने जिस तरह हमें प्यार दिया आज तक, मेरा पूरा हर समय उम्मीद कोशिश रहा है कि आप लोग को प्यार का उम्मीदों पर खड़ा उतरे। 3 साल से प्रखंड अध्यक्ष भी थे, अभी वर्तमान का तो कह नहीं सकते, आप लोग को सब तो पता है। कोशिश की है कि जितना हो सके विपक्ष में रहते हुए भी हर मुद्दा को उठाएं, बहुत सा मतलब सरकार नहीं रहते हुए भी बहुत सा योजना लाए, रोड वगैरह जो भी है लाने का प्रयास किए, बहुत हद तक कामयाब भी रहे। अब नगर परिषद में आप लोग जब हमें मौका दे रहे हैं, अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, मेरा जब तक हम रहेंगे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आप लोग को उम्मीद पे खड़ा होते। विकास करेंगे सर। देखिए, हमारा संपर्चक जो नगर परिषद है जो नया गठित हुआ है, यहाँ अभी बहुत तेज़ी से लोग बस रहे हैं, नया नया मकान बन रहा है, और उन लोग का सबसे बड़ा समस्या है सड़क का, सड़क है, नाला का पानी निकालना। तो मेरा प्राथमिकता इसी पे रहेगा, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दें, और जो पहले से जो मोहल्ला बस चुका है, जो पुराने पुराने गांव हैं, चूँकि ये पहले ग्रामीण एरिया था, तो उन लोग को भी सड़क तो है, लगभग सड़क है, मगर नाला का पानी निकासी का समस्या है यहाँ पे। तो इस पे हम विशेष काम करेंगे, और भी समस्या है जैसे शिक्षा का, सरकारी स्कूल का जो भवन है बहुत जगह पे जर्जर हो चुका है, आपका आंगनबाड़ी केंद्र का भवन, पंचायत भवन, इस तरह का जो भवन है उस सब का फिर से सब कुछ ठीक करके काम करेंगे। स्वास्थ्य के ऊपर क्या काम करेंगे सर? बहुत सारे आदमी समझे कि स्वास्थ्य से एकदम समझे बीमार पड़ रहे हैं, उनके ध्यान रहे, इस पर क्या करेंगे सर? देखिए, हमारे संपतचक नगर परिषद क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहीं संपतचक में है, और क्षेत्र बड़ा है, इलाका काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो हमारा प्रयास रहेगा कम से कम, कुल हमारे यहाँ 31 वार्ड है, तो सबसे पहला प्राथमिकता तो होगा 31 वार्ड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है छोटे स्तर का, जिसमें प्राथमिक इलाज हो सके, उसको बनवाना, और कम से कम 4 और बड़ा जो हॉस्पिटल होता है उस तरह का बनवाएंगे, क्योंकि आबादी यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, घनी आबादी है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का तो चाहिए सरकार का। तो सर, संपतचक वासियों की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, संपतचक वासी ही हमें उम्मीदवार बनाए हैं, उन्होंने अपना प्यार दिया है, और कहीं ना कहीं जनता का उम्मीद हमसे है कि जब इसको हम अपना उम्मीदवार बनाए हैं, इनको जिताएंगे, तो ये कुछ अच्छा करेंगे, हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जो सोच के उन लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, उनकी उम्मीद पे हम खड़ा उतरे। कुछ कहेंगे सर? देखिए, पिछले 8-9 महीना से हम खुद चुनाव लड़ने की तैयारी किए थे, क्षेत्र में कैंपेनिंग किए थे, और मेरे भाई अमित भी साथ में कैंपेनिंग कर रहे थे। अब चूंकि सीट रिजर्व हो गई है, तो मेरे लिए चुनाव लड़ना संभव नहीं है, और नए आरक्षण में ये सीट जो चेयरमैन का है वो पिछड़ा वर्ग को चला गया है। ऐसे में फिर हमने अपने छोटे भाई अमित को आम जनता के सलाह पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। घोषित करने से पहले हमने यहाँ पर बैठक बुलाई, बैठक बुलाने के बाद हमने 31 वार्ड के जितने भी वार्ड हैं प्रतिनिधि थे सबको बुलाया, आम सभा किए उसके, और सब मिल कर बैठ करके, और अमित के नाम पर सर्वसम्मति से सहमति बनी, फिर इसके बाद हम लोग बैठ करके अमित को अध्यक्ष पद के लिए नामित कर दिए। सीधा देखिए कि इनका एक ही कहना है, पवन जी का समर्थन और जनता जनार्दन का समर्थन सीधा मिल रहा है कि इनको अमित जी। कुमार हसन, भारत न्यूज़ 24।